किसान मजदूर संघ जिन्होंने घोषणा करी थी कि वह आंदोलन पर जा रहे हैं, उनकी चर्चा के बाद अभी उन्होंने घोषणा करी है कि ये आंदोलन ये वापस ले रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि हम राज्य स्तर की एक समिति बनाएंगे, निराकरण समिति बनाएंगे, जो किसान और सरकार के बीच में समन्वय और क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं, इस पर चर्चा होती रहेगी। ये बनाएंगे, अभी तो घोषणा करी है ना। अभी उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, अभी तो केवल कर्जा माफ की चर्चा हुई। सर, हाउ विल यू रिस्पोंड ऑन द आईटी रेट डेवलपमेंट एंड सम कन्वर्सेशन टेप्स आर कमिंग आउट बिटवीन यू एंड मिस्टर कक्कर, सो हाउ विल यू रिस्पोंड ऑन दैट? आई वांट टू से दैट ओनली सम चैनल्स हु फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दिस दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, हुज वॉइस इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, नथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड, एंड वेयर दोज स्टेटमेंट्स वेयर दोज अकाउंट्स हैव बीन रिकवर्ड. Have it been disclosed? From where has it been recovered? They say people connected with Mr. Kamal Nath. What I know is that where they have been recovered from, I do not know these people. I have never seen their face. And that it's being projected with what motive, the country understands. The country understands ki kis kya karan hai isko is tarah project karne ka aur कौन से चैनल इसे प्रचारित कर रहे हैं। ये तो खुली बात है, आप जानते हैं, सब जानते हैं, देश जानता है। पर इसमें ये जो बात नहीं कहा जा रही कि जो ये अकाउंट का कुछ दिखाएंगे, ये किसके यहाँ से मिला है, क्या उसका क्या संबंध था कमलनाथ से, ये बात तो कभी कहेंगे नहीं। दिखा देंगे ये कागज, इसमें जो कानूनी कार्रवाई है होए। देखिए क्योंकि अब यहाँ राज्य सरकार में बहुत सारे खुलासे होने जा रहे हैं, तो उससे कैसे ध्यान मोड़ा जाए, इससे कैसे ध्यान मोड़ा जाए, इसका यही लक्ष्य है। सर, आर यू ट्राइंग टू से दैट दिस इज होल प्रोजेक्टेड एंड आई एम आस्किंग अ बेसिक क्वेश्चन। क्या इंदौर एमएलए उषा ठाकुर ने कहा है कि गॉड से राष्ट्रवादी है? देखिए ये दुख की बात है, ये आगे आने वाले समय में ये उजागर होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अंत में क्या सोच है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, इनके जवान में क्या है, ये सब बातें सामने साबित होंगी। मैं नहीं जानता हूँ, देखिए इसकी जो जानकारी है ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उन्होंने तो स्वीकृति दी है, आप कुछ चीज़ बना नहीं सकते, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति होती है, कोई चीज़ तो बना नहीं सकते गाजियाबाद में बिना गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी तो के मंजूरी के बगैर। तो इसमें अगर कोई इरेगुलरिटी होती तो क्या वो स्वीकृति देते? और ये सब बने हुए हैं 30 साल पहले 35 साल पहले, ये कोई छिपी चीज तो है नहीं, किसी ने अतिक्रमण करके ये कर लिया, तो ये सब राजनीतिक प्रयास है, इसका जवाब कोर्ट में आएगा। सरकार की स्थिरता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अस्थिर होने जा रही है, लोग विधायक यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। मैंने विधायक दल की बैठक अभी करी थी, 26 तारीख को विधायक दल की बैठक करी थी, जिसमें 120 विधायकों ने प्रस्ताव पर साइन किया कि उनकी पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार का ये बहुमत सिद्ध करने का चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं।